तो मधुनाथ श्री के साथ मुक्तावटी ले ले और खीरा करेला टमाटर जिसका जूस अभी बना रहे हैं, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, इसके जूस में लौकी का जूस भी मिला दे बीपीएस, और मधुना सिनी के साथ मुक्तावटी साथ में ले ले। हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैंने बोला खाने खाली पेट मधुना सिनी मुक्तावटी, और किसी किसी को हार्ट बीपी और शुगर तीनों एक साथ होते हैं, तो खाली पेट मधुना सिनी मुक्तावटी, खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी का जूस, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, और खाने के बाद हृदय अमृत, चंद्रप्रभा और अश्वशिला ले ले। तो हार्ट बीपी और शुगर तीनों प्रॉब्लम एक साथ हो तो भी समाधान हो जाएगा। ये तीन चीजों का जूस निकालते हुए मैं एक आपको बात बता रहा था, तो ये खीरा करेला टमाटर का जूस भी रामबाण है वो बता दिया है। और डायबिटीज वालों को मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए जो है वो, हम मल्टीग्रेन आटा और ये न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा, अच्छा गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, चावल है, रागी है, मकई है, ये सब मोटे अनाज, ये सब लेने चाहिए डायबिटीज वालों को। अकेला गेहूं अकेला चावल अच्छा नहीं होता है डायबिटीज वालों के, शुगर के तौर पर उनको शहद थोड़ी मात्रा में या मधुरम का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कोई जूस उनको जैसे इसका फ्रूट का गन्ने का जूस है, अच्छा। या आम का जूस है वो नहीं लेना चाहिए, अच्छा, स्वामी जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि घुल जाता है, शुगर लेवल हाई कर देता है। जूस पीना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर डायरेक्ट फ्रूट खाना, फल खाना? डायरेक्ट फ्रूट खाना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी मिलता है और भी बहुत से न्यूट्रिशंस जो उसके फाइबर में होते हैं वो प्राप्त होते हैं, लेकिन कभी कभी जूस भी पी लिया जाए तो अच्छा, वो इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो डायबिटीज में खीरा करेला टमाटर से खाने में दिक्कत होती है जी, डायबिटीज वाले नारंगी ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, एक जो है जामुन तो उनके लिए औषधि का ही काम करता है, बिल्कुल जामुन की गुठली और करेला का पाउडर और चिरायता, ये सब तो हमने कई बार बताया ही बताया है स्वामी जी, ये सब चीजें, ये जूस देखो कितना बढ़िया तैयार हो जाता है। अभी मैंने कई बार बताया, मैंने पहले पिया नहीं था, जैसे लौकी का जूस मैंने तभी पिया जब उसमें पुदीना और नींबू डाल देते तो स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन ये जूस बड़ा स्वादिष्ट होता है। यहाँ हमारे महानगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, इधर आओ तुमको पिलाता हूँ देवप्रिय आखे, तो तुमको शुगर नहीं होगा, जिनको ना हो उनको भी जो है लोहे प्रसाद हो गया तुम्हारे लिए। ये श्री कृष्ण जो है कांत पोडियाल भी है, पियो तुम ये जूस, तुम्हें शुगर की बीमारी नहीं होगी, ये जरूरी है, ऐसे सबको एक गिलास ऐसे पी लेना चाहिए सुबह सुबह।